तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एम डी हैया ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक TVS मोपेड लगी हुई है और इसमें जो प्रॉब्लम है यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है और किलोमीटर भी इसका बढ़ नहीं रहा है। तो इसका यही मेन प्रॉब्लम है, तो आज इसका सोल्यूशन करेंगे। और इसका मैंने पुराना जो वायर है स्पीडोमीटर का, उसको मैंने निकाल दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको मैंने निकाल दिया है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि इसको कैसे फिट किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में श्री गोल्ड केबल्स है और ये स्पीडोमीटर का यही वायर्स होता है। देखिए इसका मात्र जो प्राइस है 75 रुपया है। अगर आप इसको लगवाने जाइएगा कहीं भी तो आराम से आपको 100-150 ले लेते हैं। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा, ये आसान काम है, ये आराम से आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्लोथिन से निकालते हैं। निकाल दो इसको। देखिए प्लोथिन से निकलने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये। और इसमें खासियत ये है कि ये ग्रीस फ्री है, इसमें ग्रीस वगैरह डालने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम आ गए हैं चक्के के पास और हम इसको अभी लगाने वाले हैं। ये इस टाइप का एक पिन होगा, ये जो पिन है आपको इसमें लगा देना है। और ऐसे लगाने के बाद ये जो कैप है इसको आपको ऐसे पकड़ कर ऐसे राउंड इसको क्लॉक वाइज इसको घुमाना है। आप इसको घुमाइएगा तो ऐसे देखिए बहुत ही आसानी से कस जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों का चूड़ी मिलना चाहिए। और जब दोनों का चूड़ी मिलेगा तभी ये बढ़िया से कसेगा। और ये अभी बढ़िया से कस चुका है, लेकिन हम इसको अभी पक्कड़ से इसको अच्छे से कस देंगे। तो देखिए ये पक्कड़ हम ला चुके हैं और इसको बढ़िया से पक्कड़ से ऐसे कस देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया से टाइट हो चुका है। तो ये जो वायर है हम इसको आराम से इसके ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और इसको यहाँ से निकालेंगे और ऐसे जैसे दिया इसमें जितना भी क्लिप दिया है सारे क्लिप में फंसाते हुए इसको हम ऊपर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको ऊपर ला चुके हैं और यहाँ से देखिए ये फंस रहा है। तो इसको हम 20 से निकाल लेंगे, आराम से ये निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पे ऊपर आ चुका है ये। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे चूड़ी दिया हुआ है इसको उसी में इसको कसना है। तो आइए हम इसको फिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसी में आपको फिट कर देना है, तो यहाँ पे जो है इसको हम लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ये लग चुका है और इसके ऊपर से बस आपको इसको चूड़ी मिला देना है और इसको कस देना है। देखिए ये बहुत ही इजी है। इतना बाइक का नॉलेज आदमी के पास होना चाहिए कि कुछ थोड़ा बहुत काम अपने से कर ले। अदरवाइज अगर आप बाइक वाले के पास जाते हैं तो इतना ही का मजदूरी 50-60 रुपया आराम से ले लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कस चुका है, तो इसको एक बार हम पक्कड़ से अच्छे से कस देंगे। तो देखिए हम इसको पक्कड़ से अच्छे से कस देते हैं ताकि ये दोबारा खुले नहीं। अरे बहुत ही अच्छे से कस चुका है। तो देखिए हमने इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फिट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये जो वायर है इसमें बहुत ही अच्छे से लग चुका है। तो आइए हम इसको घुमा कर चक्का को राउंड करके आपको दिखाते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो इसको घुमाइए राजा, चक्के को घुमाइए। देखिए यहाँ पे स्पीडोमीटर भी वर्क कर रहा है। और तेज थोड़ा घुमाइए, देखिए यहाँ पे। और आप किलोमीटर पे भी ध्यान दीजिए, वो भी घूम रहा है। तो ये देखिए हमने ब्रेक मारा और ये हो गया 0। तो आप देख सकते हैं कितना इजी, बहुत ही आसान है इसको फिट करना। आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो गाइज़ बस अपना सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।